वाले एरियाज में हमने 50 से तकरीबन 80 के करीब हमने वहाँ पे पंप्स लगवाए पानी के, और मैरिज सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं हमारे, ऑर्फन सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर हम 2-3 यतीम खानों को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे जो है ना सीनियर सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं। तो कराची में मुख्तलिफ एरियाज में हमारी राशन डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, तो ये हमारे प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं लेकिन बहुत लिमिटेड उस पर चल रहे हैं, और हम इंशाल्लाह इसको बढ़ाएंगे। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं, अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे, कोई डोनेट वगैरह करना चाहे, तो उनके लिए मतलब कॉन्टैक्ट वगैरह का मैं आपको अपना फेसबुक का लिंक भी दे दूंगा, आप हमें डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दीजिएगा, मेरा नंबर भी आप मेरे से ले लीजिएगा, हमारे जो भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको भी बता दें, और मेन चीज़ है आप उनको नंबर शेयर कर दें, और हम अपने अकाउंट डिटेल सारी हम लोगों ने हर जगह शेयर की हुई है। जो भी हमारे डोनर्स हैं अपने प्रोग्राम के मुताबिक उसको डोनेशन करें, आए हमारे साथ मिलकर काम करें, अगर चाह वो हमें डोनेशन नहीं देने चाहते तो हमारे पास बहुत से प्रोग्राम हैं जो हम उनको बताएंगे कि भाई आप खुद से जाएं, अपने आंखों से देखें और उनकी मदद आप खुद करें। तो कई लोग ऐसे भी हमसे रुजू करते हैं क्योंकि उनका ट्रस्ट डेवलप नहीं होता, लेकिन जब एक बार वो हमारे साथ काम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट टाइम पर वो हमारी सर्विसेज यूज़ करते हैं। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि आवाम की एक कसीर तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है, और तकरीबन हर शख्स को जो है कूपन इशू किया गया है, तो इसका सिलसिला क्या है, किस तरीके से कूपन से आवाम ले सकती है, या कोई आना चाहे, या अगर कोई नहीं आना चाहता, बहुत से सफ़ेद लोग ऐसे हैं जो मतलब आना नहीं चाहते आवाम के सामने, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़मीन उनका मुतमिन नहीं होता, लेकिन फिर भी जैसे हालात रहते हैं उनकी ज़रूरत है, अगर वो लोग आपसे रब्ता करना चाहें। देखें इस पर तो सबसे पहले जो हमने अभी डिस्ट्रीब्यूशन किया इसमें हमारे वॉलंटियर्स का बड़ा काम है, और मैं उनका बड़ा शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उन्होंने घर घर जाके, क्योंकि हमारा एक मोहल्ला है, आपको भी पता है हमारे मोहल्ले में कौन सफ़ेदपोश आदमी है, और जो हालात चल रहे हैं इस वक्त हर बंदा ज़रूरतमंद है। कई लोग हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं लेकिन वो वहाँ कहते हैं अगर हमारी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखें, हम उनको टोकन इशू करते हैं, बेशक वो खुद ना आए,
और फिर किसी दोस्त अहबाब अजीज को भेज दें, आनंद पड़ेगा लेने के लिए, क्योंकि हमने कोविड के अंदर डोर टू डोर सर्विस की थी। लेकिन यहाँ पे आपको पता है इस वक्त आटे का क्राइसिस भी है, आटे का आपको पता है लोग मर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ साइड एरिया में, कितने लोग उनके उसके अंदर लोगों की डेथ हो गई है। तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे को दे रहे हैं। देखें अगर यहाँ पे 1 लाख बोरी भी हो तो वो भी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह हम यहाँ पे एक दिन आएगा 1 लाख बोरी भी बांटेंगे। ये हमारी NGO है नॉर्थ अमेरिकन मुस्लिम फाउंडेशन के नाम से, जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है और पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर, और हमेशा हर इवेंट पे इस फाउंडेशन ने बहुत मेगा इवेंट किया है जिसमें गरीब लोगों की हेल्प की गई है और लड़कियों की शादियों का जो है वो भी इंतज़ाम किया गया है। लेकिन आज जो हमारा मेगा इवेंट है ये फितरा जो है उसके डोनेशन के हिसाब से हमने यहाँ लोगों में तकरीबन 3,500 लोगों में आटा डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो 10 किलो का थैला है। और ये हमारे CEO साहब हैं फारूक साहब, जो कैनेडा से ताल्लुक़ रखते हैं, जो सब इसको देखते हैं। और बाकी जो पाकिस्तान के जो चार जो हमारे सूबे हैं जो उनके जो उनको जो देख रहे हैं वो हैं नुमान साहब, हमारे साथ अरबाज खान मौजूद हैं जो कि NGO में एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही है काम करने, मसाइल का सामना करना पड़ रहा है आपको? अभी तो फिलहाल हम लोगों ने लोगों की रो बनाई थी कि बारी बारी आएँ और वो अपना आके जो आटा है टोकन फी टोकन के हिसाब से 10 kg का बैग था आटे का फिलहाल वो लेके जाएँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा बकर दौड़ मचा दी और बिल्कुल वो सिस्टम आउट कर दिया था। लेकिन हमारे माशाल्लाह से वॉलंटियर्स काफ़ी हैं, हमारे दोस्त हमारे भाई आप लोगों की मोहब्बत है सारी हम लोगों के साथ, तो उसके बदौलत हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया अब तक सबको। आवाम हमारे साथ ताउन नहीं कर रही है, जैसे कि हम वर्किंग कर रहे हैं घर घर जाके हमने टोकन दिए, बट आवाम का जो अजूम देख रहे हैं ना आप, आवाम बिल्कुल मतलब के बर्दाश्त नहीं कर रही है जिस तरह का हम बर्दाश्त कर रहे हैं कि इतनी मतलब की मेहनत कर रहे हैं हमारे वॉलंटियर्स, इस तरह समझा रहे हैं आवाम बिल्कुल नहीं समझ रही है। आपको पता है आजकल के हालात के हवाले से हर बंदा परेशान है, और हम जो है नॉर्थ अमेरिकन फाउंडेशन मुस्लिम फाउंडेशन का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, क्योंकि ये काफ़ी एफर्ट करते हैं हमेशा ऐसे मतलब जिसमें क्राइसिस में होते हैं लोग उनकी हेल्प करते हैं हर तरह से। अब जहाँ तक काम के हवाले से तो उसमें तो आपको पता है इतने रश में बंदे को माहौल को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है और इतना क्राउड होता है कि आपको काफ़ी तकलीफ होती है, पर इंसानियत के लिए इंसानियत की हमदर्दी के लिए हमने ये सब कुछ हमने बर्दाश्त करना होता है और अपना गुड एफर्ट देना होता है। जी व्यूअर्स, इस NGO के बारे में मैंने आपको बताया, आपकी अपनी क्या राय है आप खुद इस NGO के बारे में सर्च कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि बाकी ये NGO अच्छा काम करें तो आप भी आएँ इनका साथ दें इनके साथ हेल्प करें। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि सबको जो है वो घर का गुजर बसर करना बहुत मुश्किल है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी NGO के साथ काम करें तो नौमान साहब ने जो है अपने लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।